अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल तमन्ना की एपिसोड 26 में आप देखेंगे कि हारून तमन्ना को एक दरबार पर मिलने के लिए बुलाता है। तमन्ना हारून से मिलने आती है तो उमर भी उसके पीछे आ जाता है। वो तमन्ना और हारून की तमाम बातें सुन लेता है और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तमन्ना के घर से रात को जाने की खबर सब घर वालों को पता चल जाती है। तमन्ना किचन में काम कर रही होती है, वहाँ पर दानिया की वालदा आकर उससे पूछती है कि तुम रात को कहाँ गई थी, जिस पर तमन्ना खामोश रहती है। एमन की वालदा वहीं पर मौजूद होती हैं, जो तमन्ना को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। वो तमन्ना को ताना देती है कि जैसी माँ वैसी बेटी, न जाने ये लड़की इतनी रात को किससे मिलने गई थी। उसी वक्त वहाँ पर उमर आ जाता है। जब वो तमन्ना की बेइज्जती होते देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और कहता है, ये अकेली नहीं गई थी, मेरे साथ गई थी, मैं इन्हें अपने साथ दरगाह लेकर गया था। तब जाकर एमन और दानिया की वालदा खामोश हुई, मगर तमन्ना रोने लगी। और फिर कुछ देर बाद हारून वहाँ पर आ जाता है। तमन्ना दरवाजा खोलती है तो सामने हारून खड़ा होता है। वो उससे कहती है कि दानिया से शादी तोड़ने के बाद पहली मर्तबा आप इस घर में आए हैं, तो जहनों में सवाल तो उठेंगे। इस पर हारून तमन्ना से कहता है कि उन्हीं सवालों का जवाब देने में आज यहाँ पर आया हूँ, मैं बीबी जान से बात करने आया हूँ। उमर एक मर्तबा फिर उन दोनों को साथ देख लेता है। हारून तमन्ना से मजीद कहता है, मैं ये बताने आया हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तमन्ना परेशान हो जाती है। बीबी जान हारून को देख लेती हैं और उसको हारून पर शदीद गुस्सा आता है। इसके बाद तमन्ना खुद से कहती है, मुझे हारून को ऐसा करने से रोकना होगा, इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए। उधर हारून बीबी जान के पास पहुँच जाता है। जब तमन्ना वहाँ पर पहुँचती है तो बीबी जान हारून से कहती है कि दानिया से शादी नहीं करना चाहते तो फिर किससे शादी करना चाहते हो। हारून तमन्ना को और तमन्ना हारून की तरफ देखती है, कहीं हारून उसका नाम बीबी जान को ना बता दे। एमन ये सब छुपकर देख रही होती है। आपके ख्याल में क्या हारून बीबी जान को तमन्ना का नाम बता देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।